अस्सलामुअलैकुम। ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दीपालपुर रुकारा कैंपस में प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिलखसूस डॉक्टर जमील शफी साहब की मावनत से आज हम जिस आलू की बीमारी के बारे में आपको ब्रीफ करने जा रहे हैं, मैं और मेरी टीम, उसका नाम है ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, जिसे ज़्यादातर आम जुबान में हमारे किसान भाई आलू की सरान के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों, जिस तरह के हम जानते हैं कि आलू की जो फसल है आपकी मईशत का इंसार आलू की फसल के ऊपर होता है, तकरीबन दुनिया में 1 बिलियन के लोग लगभग लोग जो हैं वो आलू खाते हैं। आलू में ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो कि हमारी खुराक में बुनियादी ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखें, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो दीपालपुर उकाड़ा साहिबाल पाकपतन के जो एरियाज हैं, इलाका जात हैं, वो आलू की फसल आलू की काश्त के हवाले से जो मेन जो है गढ़ माने जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में आलू की काश्त बड़े वसी पैमाने पर होती है। तो आलू इस सूरत में अगर आलू की फसल के ऊपर कोई भी बीमारी आती है तो हमें उसकी रोकथाम उसकी मैनेजमेंट करना लाजमी होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर आलू की फसल के ऊपर कोई भी बीमारी आती है तो इसका सारा जो है असर मनफी असर पड़ते हैं आलू की पैदावार के ऊपर, जो कि किसान का मुआशी लॉस है। जी, मेरे साथ मेरी टीम में है समीर अहमद साहब, वाजिद अली साहब और गुलाम मुर्तजा साहब। ये हमें बताएंगे कि आलू की बीमारी, ये जो ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो है, आलू की सलाद है, ये कैसे फसल के ऊपर आती है, इसके लिए हम एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं जिन्हें हम बुरेकार लाते हुए इस बीमारी के नुकसान से बच सकते हैं, और इसका केमिकल कंट्रोल कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले मैं अपने सवालों पर रुख मोड़ूंगा समीर अहमद की तरफ। जी समीर साहब, आलू की जो बीमारी है ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, ये तो हमने देख लिया ना, इसके बारे में बात भी हो चुकी, तो कौन सी ऐसी इलामत होंगी फसल के ऊपर कि मैं आप या हमारे जैसा एक आम किसान भाई जो है वो आलू की फसल में जाएगा, मुआयना करेगा, तो उसे बासानी पता चलेगा कि मेरी जो है फसल वो आलू की सलाद यानी कि ब्लैक लेग से मुतासिर हो चुकी है या हो रही है, अभी इब्तदाई मराहिल में है ये बीमारी। जी, आप थोड़ा सा बताइए इस बात। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है पैक्टोबैक्टीरियम एटोसेप्टिकम। और जब हमें एक बीमारी का इलाज करना है, सबसे पहले हमें उसकी तशखीस करनी चाहिए कि आया कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है। हम एक खेत में जाते हैं, वहां पे हमें पता चलता है कि कुछ पौधे हेल्दी हैं और कुछ बीमार हैं, और जो बीमार पौधे हैं उनमें उनके पत्ते छोटे रह जाते हैं और उनका रंग पीला पड़ जाता है। और ये बीमारी आलू के बीज से शुरू होती है, और ये आलू के बीज से जब पौधे जर्मिनेशन इसकी होती है तब ये उसकी खुराक की नालियों की वजह से पौधे के ऊपर आती है। जब हम उसकी स्टेम को देखें तो उसकी स्टेम का रंग पीला पड़ जाता है और उसके ऊपर पानी के दबे पड़ जाते हैं और उसके बाद वो ब्लैक हो जाते हैं और फिर वो गल सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पौधा सारा गिर जाता है। मतलब तने का जो जहरीला हिस्सा है, निचला हिस्सा है, वो मुतासिर होता है। जी जी जी। जो बैक्टीरिया है ये आलू की फसल के ऊपर किस तरह से आता है आप बताएं, और अपनी जिंदगी का दौरानिया किस तरह से मुकम्मल करता है आलू की फसल के ऊपर? जी, ये जो बैक्टीरिया है ये आलू के ऊपर पाया जाता है, हम आलू के बीज को हम ट्यूबर कहते हैं, ये उसके ऊपर पाया जाता है। और इसके अलावा जो हम पहले साल की फसल होती है आलू की, उसके ऊपर भी, उसके बकाया जाते के ऊपर भी, ये कुछ कंडीशन में ये उसके ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ज्यादातर करता नहीं है। कुछ ऐसे हशरात भी हैं जो इसे कैरी करते हैं, जो इसको मुंतकिल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसके लिए केवल टेम्परेचर 25 डिग्री से या इससे ज्यादा होना चाहिए। सर, आपने ये तो बता दिया कि बैक्टीरिया कैसे पाया जाता है आलू की फसल के ऊपर कैसे आता है, तो अब आप हमें ये भी बताएं हमारे किसान भाइयों को कि इसका जो है दुरानिया, इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होता है और कब तक ये चलता है और कैसे ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है फसल के ऊपर? जी, ये बैक्टीरिया, क्योंकि मैंने बताया कि ये ट्यूबर के आलू के ट्यूबर के पे पाया जाता है, और उसके बाद जब हम इसे कोल्ड स्टोर में इसे स्टोर करते हैं तब इसे अंदर फेवरेबल एनवायरमेंट मिल जाता है, उसके फैलने का जो दर्जा रख दिया जाता है उसे, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो साथ वाले आलुओं के ऊपर भी फैलता जाता है। ठीक है, और जब हम इसे अगले साल के लिए हम इसे उगाने के लिए लेके जाते हैं फसल में, तब हम आलू के ऊपर बैक्टीरिया होता है, पाया जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये बैक्टीरिया आलू के ऊपर है या नहीं, इसलिए हम वो वाले आलू फसल में जमीन में सो काट देते हैं और वो अंदर जमीन में वो बैक्टीरिया सर्वाइव करता रहता है,
और जब जिसकी आलू की जर्मिनेशन होती है तब ये बैक्टीरिया उसकी खुराक की नालियों के जरिए एक पौधे के ऊपर जाता है और फिर वहां पर अपनी लावा शुरू करता है और पूरे पौधे को डैमेज कर देता है, खराब करता है। मीर अहमद ने हमें बताया कि किस तरह से हमारी फसल आलू की फसल के ऊपर अलामत आती है इस बीमारी की, और हम देख के आसानी बता सकते हैं कि ये ब्लैक लेग यानी आलू की सड़ान की बीमारी है। और ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी लाइफ साइकिल अपना जो है दौरे हयात अपना दौरानिया किस तरह से आलू की फसल के ऊपर मुकम्मल करता है। हमको आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अपने अगले मेहमान बाजित अली साहब की तरफ। तो बाजित अली आप हमें बताएं, हमने देख लिया कि इलामात क्या क्या होती हैं फसल के ऊपर ब्लैक लेग, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो किसान जो रिवायती तरीके इख्तियार कर रहा है तो उनमें कौन सी ऐसी मजीद बेहतरी या दिक्कत ला सकता है कि जो अपनी आलू की फसल का तहफ्फुज़ है वो यकीनी बनाया जा सके आलू की सड़ान की बीमारी से। तो मैं आपको बताऊंगा कल्चर कंट्रोल यानी रवायती तरीके जिनकी मदद से किसान अपनी फसल को बीमारी से बचा सकता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकता है। तो रवायती तरीकों में जो सबसे पहले आएगा कि सबसे पहले जो स्टेप है वो किसान के जहन में होना चाहिए कि वो एक सस्टेनेबल वरायटी यानी हुकूमत की तरफ से जो रजिस्टर्ड वरायटी है वो यूज करे, उसका उसके ट्यूबर्स यूज करे अपनी फसल के। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आएगा कि उनकी ग्रेडिंग जो ट्यूबर्स वो लेके आया है बोने के लिए, सबसे पहले है उनकी ग्रेडिंग यानी दर्जाबंदी। तो इसमें अक्सर देखने में ये आया कि जो एक किसान है वो गले सड़े आलू तो अलहदा कर पाता है लेकिन कुछ ऐसे आलू रह जाते हैं जिन पर थोड़े से कट लगे होते हैं या वो जख्मी होते हैं या उन पर थोड़ी सी खराशें होती हैं, वो इनको अलहदा नहीं कर पाता जिसकी वजह से जो डिजीज के कुछ स्पोर होते हैं वो खेत में फैल जाते हैं जो आगे मजीद दूसरे पौधों तक फैलते जाते हैं और बीमारी हमला करने का काम करते हैं। इसमें आपने बताया कि जो स्पोर्ट हैं या थोड़े बहुत जरात जो है इस बैक्टीरिया के इसके ऊपर आलू के ऊपर रह जाते हैं तो हमें तो आम आपसे वो नजर नहीं आते हैं किसान को, तो वो क्या करेगा इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, इसके लिए किसान को ये चाहिए कि जो सेहतमंद है बिल्कुल साफ सुथरे बीज है वो इस्तेमाल करें। तो जी इससे अगला स्टेप है जो वो जमीन का इंतखाब यानी किस जमीन में कब सो करना है हमने पोटैटो को आलू को। तो जब जमीन का टेम्परेचर 10 से 12 सेंटीग्रेड हो और इसमें नमी हो तब इसको सो करें क्योंकि ओवरऑल जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर जमीन में नमी मौजूद होगी उसका टेम्परेचर 10 से 12 होगा तो इस वक्त अगर हम सो करें तो इससे बीमारी को रोका जा सकता है। और इसके अलावा है कि जो भी हम फसल हम बोते हैं उसके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत जरूरी है कि उनमें खादों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो अक्सर ये किसानों में देखने आया है कि जब वो खादों का इस्तेमाल करते हैं या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो या तो मालियाती तौर पर एक मुकर्रर वक्त पर एक्चुअल जो टाइम होता है उस टाइम पर वो खादों को इस्तेमाल नहीं कर पाते या थोड़ी सी देर हो जाती है या कुछ किसानों में ये देखने में आया वो पहले ही खादे अप्लाई कर देते हैं पहले ही फसलों को। इस वजह से जो एक पौधे का डिफेंस सिस्टम है वो अच्छी तरह से मजबूत नहीं बन पाता और अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, उसमें जो रेजिस्टेंस है एक बीमारी के खिलाफ वो कम हो जाती है जिसमें जो है वो कम हो जाती है। जी अच्छा बड़ी बड़ी हमने ये भी देख लिया कि हमने सीड जो है आलू का बीज है वो हमने बकायदा रजिस्टर्ड वैरायटी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने कट लगे हुए बीज को इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा साफ सुथरा हेल्दी बीज हमने सेहतमंद बीज इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसे और भी तरीके हमें बताए ना जो हमारे किसान भाई हैं जिनमें मजीद बेहतरी लाए और इस बीमारी के खिलाफ मुदाफ़ पैदा करें फसल में और अपना दबक जो है वो रोकथाम के लिए इकदाम ले सके। जी बिल्कुल, जब हमारी फसल जो ग्रो हो चुकी होती है तब हम उन्हें फर्टिलाइजर खाद या स्प्रे करते वक्त ये एहतियात करनी चाहिए। मोस्टली जो कुछ इलाकों में मैनुअली होती है कुछ इलाकों में जो वास्ट एरिया पर ग्रो करवाते हैं वो मशीनों के जरिए ट्रैक्टर के जरिए स्प्रे करवाते हैं, तो इस दौरान जो होते हैं पौधे के टिश्यू उसके पत्ते उसके तने उन पे कट लग जाते हैं उन पे इन्फेक्शन आ जाता है, तो जिस वजह से इन्फेक्शन बढ़ेगा तो डिजीज के स्पोर्स भी बढ़ेंगे इस तरह पूरे खेत में फैल जाएंगे। तो ये भी कार्य करता है कि अगर किसी पौधे पर किसी ट्यूबर में अगर वो मौजूद है बैक्टीरिया वो आगे फैलेगा और दूसरे पौधों को भी इन्फेक्ट करेगा। जी खादों का मुतवाजन इस्तेमाल, अच्छी रजिस्टर्ड वैरायटी का जो है बीज और उसके अलावा सेहतमंद आलू का बीज उसका इस्तेमाल आपने बताया हमें, और जमीन की कंडीशन रकबे की तैयारी के हवाले से आपने बताया
कि जमीन किस हालत में होनी चाहिए, वो नम जमीन होनी चाहिए जब हम आलू की काश्त करेंगे तो हम ब्लैक लैग से अपनी फसल को महफूज बना सकते। ऐसे कौन कौन से हम इकदाम ले सकते हैं कि अगर हमारी आलू की फसल पर एक बार बीमारी आ गई है तो उसे मजीद आगे बढ़ने से रोक सके। अगर हमारे खेत में जो बीमारी आ चुकी है, हमने सिम्टम देख लिए है कि बीमारी आ गई, तो किसान को चाहिए कि जो वो पानी दे अगर खेत को ओवर फ्लड न कराए, और दूसरा ये कि जो इन्फेक्टिव एरिया है या जिस एरिया में पौधों पे सिम्टम नजर आ रहे हैं डिजीज ने अटैक किया हुआ है, उनका पानी आगे पूरे खेत में ना फैलने दे, जिसकी वजह से जो है स्पोर्स आगे फैल सकते हैं डिजीज के बैक्टीरिया के और वो पूरे खेत को तबाह कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अहम और मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हम बीज इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबर इस्तेमाल करते हैं, ये 3 से 4 साल बाद हमें इनकी वैरायटी चेंज करनी होगी। आमतौर पर किसान जब इसकी हार्वेस्ट करता है तो उसी में बीज लेकर कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लेता है कि अगली जनरेशन के लिए अगले साल में यूज करता है, लेकिन उसे चाहिए कि 3 से 4 साल बाद उसे तब्दील करना चाहिए, वही जनरेशन टू जनरेशन नहीं यूज करना। के अगले मेहमान हैं हमारे साथ लामुजा। लामुजा साहब हमें बताएंगे कि जब फसल के ऊपर बीमारी आ जाती है तो उसका कीमियाई उसकी कीमियाई रोकथाम जो है वो उसे कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। जी लामुजा, हम कौन से ऐसे केमिकल यूज करेंगे, कौन से ऐसे हमारे पास अद्वियात होंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इस बीमारी को फसल के ऊपर आने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। जी लामुजा, सबसे पहले तो सामने वाले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, और इसके बाद आपका सवाल ये बहुत ही अच्छा है कि अगर बीमारी आ जाती है तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैं आपको ये आमतौर पर जो रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि सीड ट्रीटमेंट किया जाए। बाजार तो जब हम ट्यूबर वगैरह सीड वगैरह लेते हैं तो डाल रखते हैं कि इसमें कोई डिजीज नहीं है, कोई बैक्टीरिया वगैरह के स्पोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन जब हम उसे शो करते हैं तो बाद में शो डिजीज के सिम्टम वगैरह शो होना शुरू हो जाते हैं, और उसमें मेन जो हमारी डिजीज की वजह बनती है वो ब्लैक लैग का। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले अपने जो बीज है उससे उसके ऊपर दवाई अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर यानी कि पेस्टिसाइड को अप्लाई करेंगे जी। उसके ऊपर ना हम पेस्टिसाइड जैसे केमिकल मार्केट में मौजूद है जो हम उससे जिससे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसा कि सुनील भाई पहले बता चुके हैं कि बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल क्या है, ये ट्यूबर से शुरू होता है और फिर नेक्स्ट ईयर फिर जब हम ट्यूबर वगैरह इसका स्टोर करते हैं तो ये बाद में अपने सिस्टम वगैरह फील्ड में शो करना शुरू करते हैं। कौन सा ऐसा केमिकल है जिसे हम अपने आलू के बीज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो बीमारी जो है उसे आलू के उगाव से पहले ही कंट्रोल कर सके। इसमें काफ़ी सारे केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये हैं मार्कोरिकल राइट पैरामाइन कैरासाइन, ठीक है, और इसके बाद जो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है उसको भी यूज कर सकते हैं जो एंटी बैक्टीरियल है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट को पानी का एक महदूद बना लें और इसके बाद जो ट्यूबल वगैरह है दूसरे उसे अच्छी तरह से डिप कर दें तो उसमें जो बैक्टीरिया के स्पोर वगैरह होंगे वो किल हो जाएंगे और इससे हमें एक सेहतमंद ट्यूबर मिल जाएगा जो हम शो कर सकते हैं। ये तो हो गया उस हद तक कि जब हमने अपने सीड ट्रीटमेंट किया, अपने ट्यूबर के ऊपर हमने केमिकल अप्लाई कर दिया जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। अच्छा गुलामुजा, अगर ऐसा हो जाए कि हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केमिकल हमने अप्लाई कर दिया है अपने ट्यूबर के ऊपर, उसके बावजूद जब हमारा आलू ग्रो करता है, आलू जो है उसका उगाव होता है फसल का, उसके बाद किसी तरह से बीमारी आ जाती है उसकी फसल के ऊपर, तो फिर हम कौन कौन से केमिकल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है समा भाई, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है। अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते पहले डाल दिया सीड का, फिर भी बीमारी आ गई यानी कोई किसी और पीरियड से स्पोर उड़ कर आ गए हैं तो वो भी बिल्कुल काज का। इसमें जो केमिकल है वो साइमोजिन क्लोरोथेलोनिन एंड सल्फर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हैं जो पाउडर फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं, जिन्हें हम जैसे हम यूरिया वगैरह के जो यूरिया खाद वगैरह उसको हम ग्राम में पहले पानी में यानी महलूद बना लेते हैं और फिर उसे हम टैप के जरिए किसी नाले वगैरह पर रख देते हैं जो पानी में मिलकर यानी फ्लडिंग कर देते हैं उसकी, ये भी वैसे इस्तेमाल होने हैं
ये पानी के साथ इस्तेमाल होंगे और इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं बीमारियां आ रही है। ये फ्लडिंग के साथ साथ इसे हम फसल के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, क्योंकि फसल के ऊपर भी तो स्पोर्स आ सकते हैं बीमारी के, लामात आ सकते हैं, ये वो भी कर सकते हैं जी। ठीक है, जी नाज़रीन, हमारे किसान भाइयों, हमने देखा कि आलू की जो बीमारी ब्लैक लेग है ये क्या है, ये आती किस तरह से है, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो फसल है वो ब्लैक लेग यानी कि आलू की सड़ान की वजह से मुतासिर हो चुकी है। हमने देखा कि जो इस बीमारी का मौजब बनने वाला बैक्टीरिया है उसकी ज़िंदगी का दौरानिया क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो किस तरह से आता है, किन किस किस मौसम में कौन से ऐसे साजगार हालात होते हैं कि वो आपकी आलू की फसल के ऊपर अटैक कर सकता है, हमलावर हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि रिवायती तरीके, जी हमारे किसान भाई शुरू से रिवायती तरीके अपनाते आ रहे हैं, तो रिवायती तरीकों में कैसे जिद्दत ला सकते हैं, कैसे उन्हें यानी कि इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि जो आलू की फसल है उसे महफूज बनाया जा सके ब्लैक लेग डिजीज से। तो रिवायती तरीकों में भी हमने देखा कि अच्छी क्वालिटी का सीड इस्तेमाल करें, ठीक है, सीड को जो है बाकायदा ट्रीटमेंट करें, केमिकल अप्लाई करें उसके ऊपर। अगर आपकी फसल के ऊपर ये बीमारी आ चुकी है तो जो पानी है उसे लगने वाला फसल को उसे आगे मजीद बढ़ने ना दें, क्योंकि आपकी मुतासर फसल से होता हुआ जब वो पानी आगे सेहतमंद खेत में पहुंचेगा तो वो अगले खेत को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसके ऊपर असरात होते हैं बीमारी के, वो पानी अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। ये हमने देखा खादों का मुतवाजन इस्तेमाल ताकि पौधा आपका जो है वो सेहतमंद रह सके, उसका निज़ाम मुदाफियत है वो बेहतरीन रहे। उसके बाद हमने केमिकल कंट्रोल के हवाले से देखा कि कौन सी ऐसी अद्वियात, कौन से ऐसे केमिकल्स जो हैं जिन्हें हम ब्रोएकार लाते हुए अपने सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और बीमारी के फसल के ऊपर आने के बाद कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ठीक, मेरे किसान भाइयों, इस प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं फिर से अपनी टीम समीर अहमद, वाजिद अली और गुलाम मुर्दा का शुक्रगुजार हूँ, और उसके साथ ही मैं अपने प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जामिया ज़रिया फैसलाबाद दीपालपुर उकाड़ा कैंपस के हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर जमील शफी साहब का भी बहुत ममनून और मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपना प्रोग्राम किया और आपको इसके बारे में बताया। हमारा इंतजार कीजिए जब हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू पर, तब तक के लिए।